तो हेलो डो फैमिली, कैसे हैं गाइस आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई आज मैंने जो है छुट्टी ले रखी है और सुबह से ही घर के काम निपटा रहा था भाई। ठीक है, सुबह गया पहले बिजली का बिल जमा कराने, फिर गया पापा के दवाई लेने। ठीक है, दवाई लेकर आया वहाँ से, अभी जाना है राशन कार्ड लेने के लिए। ठीक है, अभी मैं जाऊँगा राशन कार्ड लेने, वो बनाने के लिए दिया था, काफ़ी टाइम से दिया हुआ था मैंने। ठीक है, तो आज मैंने जो है पूछा था सुबह फ़ोन करके, तो भैया बोल रहे थे कि हाँ भैया आपका राशन कार्ड बन के आ चुका है, आप आके ले जा लो। तो मैंने उसकी रिसिप्ट संभाली हुई थी भाई, इन लोगों को बोला था मैंने संभाल के रखने के लिए। ठीक है, मैंने अपने वाइफ को दे दिया था, इन्होंने पता नहीं कहाँ कौन से बैग में डाल दिया था, मैं ढूंढ के परेशान हो गया भाई। सुबह से मैं दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, मिल नहीं रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से ढूंढा, तब जाके एक बैग के अंदर और उसके भी अंदर एक छोटा सा बैग था उसके अंदर रखी हुई थी। ठीक है, ऐसे तो काम करते हैं ये लोग। तो अभी जो है फ़िलहाल रसीद तो मिल गई मुझे और मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग जाएंगे राशन लेने के लिए, क्योंकि घर का थोड़ा राशन भी ख़त्म हो रखा है। ठीक है, वही जो भी पता ही है, तेल पानी वगैरह जो जो चीज़ें लगती है मतलब राशन में ऑल टोटल, वो लेने चलते हैं। और मैं तो हो चुका हूँ तैयार, नहा गया था। ठीक है, मेरी वाइफ भी नहा के तैयार हो गई है। ठीक है, हैं ये बोलती तो नहीं, कुछ गूंगी बनी रहती है बस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं हम लोग शॉपिंग करने। ठीक है, बच्चों को बोल दिया मैंने, कहा आप लोग कहीं खेलना, जिद मत करना जाने के लिए। वो लोग आ रहे हैं, देखो नीचे से, देखो ये देखो भाई, ये भागे। ठीक है, वो लोग नीचे गए थे अभी आइसक्रीम खाने के लिए, आइसक्रीम वाला आ रहा था। और हम लोग जो है चलते हैं, थोड़ा बहुत राशन वगैरह का लिस्ट मैंने बना ली है, लिस्ट भी बना ली गई, जब हमने पता कहाँ चलेगी लिस्ट, अब यार कहाँ चलेगी, रख दी मैंने, कहा पता नहीं ना रखी रखी तो यार कहीं ये गाइस लिस्ट बना दिए मैंने। ठीक है, अभी जो है हम लोग बस निकलते हैं और ये सारा सामान जो है लेकर आना है, सारा सारा सामान जितना भी है। भैया शादी करोगे ना तो ऐसे ही होगा, भैया शादी करोगे तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो तब भी देखनी पड़ती है, बट फिर अपने के लिए देखनी पड़ती है खाली। और अपना क्या, अपना तो कहीं भी चादर बिछा ली और सो गए। ठीक है, अपना तो यह है, बट यह है कि फैमिली के साथ अगर हो तो सब कुछ देखना पड़ता है गाइस। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं फिलहाल, फटाफट से आते हैं, मिलते हैं, उसके बाद जब हम राशन लेके आ जाएंगे तब मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर गाइस, मिलते हैं। तो गाइस मेरी सुबह की शुरुआत होती है इस तरह से, मैं जाता हूँ सबसे पहले पापा की दवाई लेने, जो कि मुझे सेम नहीं मिलती, एक दूसरी दवाई है, एक दूसरी दवाई है, बट यह कि कंपनी अलग अलग है उसकी। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करता, पापा ने बोलते मुझे दो चार लाने के लिए, लेकिन मैं एक ही लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो दवाई अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यह है गाइस गांधी हॉस्पिटल, उसके बाद मैं चले गए सीधे रेलवे स्टेशन अपना, अपनी वाइफ का, बच्चों का टिकट कराने के लिए, क्योंकि हमें जाना था अप्रैल में 18 तारीख को गाँव। तो अभी जो है मैं इसलिए टिकट बुक कराने के लिए बैठा हूँ। गाइस मैंने फॉर्म वगैरह सब ले लिया था, और फॉर्म लेने के बाद जो है मैं देख रहा था कौन सी वाली ट्रेन हमारे पास चलती है नहीं चलती, उसके बाद फिर हम लोग जो है टिकट वगैरह बुक करा के आगे अपनी गाड़ी लेने के लिए। तो गाइस ये देख सकते हैं, यह है देहरादून का रेलवे स्टेशन। तो गाइस मैंने टिकट वगैरह लेके फिर वापसी के लिए रवाना हुआ, और यह है गाइस देहरादून का लास्ट स्टेशन, इससे आगे कोई ट्रैक नहीं है, कोई पटरी नहीं है, और आप देख सकते हैं सामने ट्रेन खड़ी हुई। तो गाइस हमें जो है यहीं से अपने घर के लिए निकलना है, तो अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने घर वापसी आने के लिए निकल चुका हूँ। तो रास्ते का थोड़ा सा ऐसा कुछ सीन था गाइस, ठीक है, पूरी दोनों तरफ हरियाली थी, धूप भी अच्छी थी, और मैं जो है सीधा आराम से अपने घर की तरफ जा रहा था। तो गाइस थोड़ी देर बाद मैं घर पहुंच गया, उसके बाद मेरी वाइफ और मैं निकल गए हम लोग मार्केट।
गाइस हम लोग पहुंच गए थे मेगा मार्ट और यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी कोलगेट वैसलिन बोरो प्लस इस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है लेते हुए आ रहे थे, आप देख सकते हैं सारा जो है कॉस्मेटिक का ही सामान है। उसके बाद हम लोग चले ही सीधा और गाइस ये सब आइटम लेने के बाद उसके बाद हम लोग चले गए जीरा मेथी अजवाइन इस टाइप का प्रोडक्ट लेने के लिए। ये सारा जो है यही सब यहाँ पे लगा हुआ था, बेसन नमक जितना भी था ये सब इधर लगा हुआ था। हाँ ये रख लो बस। उसके बाद लिया हमने थोड़ा सा बच्चों के लिए बिस्किट नमकीन और चॉकलेट्स। नीचे जो है मैक्सिमम सामान से गाइस हमने सारा ले चुके थे हम लोग और अब लास्ट में था नमकीन का। अभी हम लोग जो है नमकीन चॉइस कर रहे थे कौन सी लेनी है, तो मेरी वाइफ ने बोला ये वाली लेके चलते हैं, तो हमने बोला चलो ये ले चलते हैं। चटपटे ले रही है येलो ही ले। चलो गाड़ी वापस घूमो और गए। इसके बाद कुछ दालें वगैरह लेके हम लोग आगे अपना कैश करवाने के लिए। तो गाइज अभी फाइनली हम लोग जो है घर पहुंच चुके हैं और सारा सामान हमने खरीद लिया है, ठीक है, जितना भी राशन था। तो पहले ये हुआ कि यार ये वाला कट्टा जो है ना इस कट्टे में और एक वो है पहला, ठीक है, कि ये वाला कट्टा जो है हम शाम को लेके जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कहा यार होम डिलीवरी करते ना वो लोग, तो मैंने कहा कि रहने दो होम डिलीवरी क्या करवाओगे, ये हम बाइक में लेके चले जाएंगे। तो हम लोग फिर साथ में लेके आ गए सब कोई, ठीक है। तो अभी जो है अभी इसको खोल के सारा सामान सेट वगैरह करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी जो है मैगी ला रखे हैं, पहले मैगी बनाते हैं, मेरे मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था, ठीक है। मैं कैसे फ्रिज में चार पैकेट मैगी लाया 40 रुपीज़ वाली चॉकलेट और क्या, और ये देखा इस पता कितने रुपए का है, ये देखो 5 का है, खाली 5 रुपए का है, ये देखो यहाँ पे भी लिखे है, हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है गाइस ये ना, 5-5 रुपए के छोटे छोटे टेट्रा पैक आते हैं, एप्पी भी और फ्रूटी वो और येलो वाली भी दोनों। पापा होली के रंग आ गए, हाँ होली के रंग आ गए बेटा, तो हमारी होली तो नहीं बेटा, दादी खत्म हो रखी, हमारी होली आई नहीं, हम भी नहीं खेल सकते ना, कोई नहीं खेल सकता, हमारी होली नहीं है, दादी नहीं है तो होली भी नहीं है, उस दिन तो दादी खत्म हुई। ये वाली मेरे को बहुत टेस्टी लगती है, डाल ले टेस्टी लगती है तो पीते ही रहो, वही टेस्टी लगती है। तो चलिए गाइस अभी फिलहाल के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। होप सो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा और गाइस टिकट भी करा लिया है हमने गांव जाने के लिए, तो वो और ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बनेगा इससे आशा तो यही करता हूँ, उम्मीद भी यही करता हूँ कि अच्छा ब्लॉग बने वो और आप लोगों को भी अच्छा लगे वो देखने में, क्योंकि हमारी जो पुश्तैनी जहाँ हमारे दादा परदादा सब रहते थे अयोध्या से 50-40 किलोमीटर दूर है, ठीक है, एक गुसाईगंज स्टेशन पड़ता है वो हमारा मतलब स्टेशन है और गांव थोड़ा उससे और 10-15 किलोमीटर की रेंज में है, ठीक है। तो गाइस जब हम लोग जाएंगे 18 तारीख का टिकट करवा रखा है, जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो उसका व्लॉग मैं पूरा बनाऊंगा, ठीक है। और बड़े बहुत दिन से बोल रही थी टिकट कराने के लिए, ठीक है, और वो भी रही थी वीडियो सी सूरत आंखों में मस्ती तो शॉर्ट वीडियो बनाई थी पापा ने, और आज जो है आज लग रहा है कि थोड़ा के हाँ मुंह में है कुछ दांत भी है इसके, वरना दांत तो दिखते नहीं थे बिल्कुल भी, गुस्सा थी एकदम है ना। तो आज थोड़ा बहुत दांत वगैरह दिख रहे हैं इसके गाइस, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में भी, ठीक है, देख लो जरा ये देखो बहुत अच्छा नहीं लगेगा अपने गांव अपने मम्मी पापा से अपने भाई बहन से सबसे मिलना अच्छा नहीं लगता क्या।
हाँ तो ठीक है, अब घूम फिर के फिर वापस आ जाएंगे और क्या, एक ही अब तक तो बात है। और यहाँ पे भी देखना ना, अब गाइस अकेले आए तो मम्मी तो है नहीं, तो इसको करना सब कुछ, तो यहाँ भी देखना वहाँ भी देखना, तो इसलिए हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, शादी 21, 22, 23 जो भी है, ठीक है, इसको निपटा के 26, 27, 28 तारीख की हमारी वापसी है। मतलब इसी महीने में जाएंगे लास्ट, मतलब पिछले महीने में सॉरी अगले महीने में अप्रैल में जाएंगे, और अप्रैल में ही लास्ट तक हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरे भी ड्यूटी का भाई पैसे कटेंगे, जाहिर सी बात है छुट्टी लूँगा तो मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं और स्कूल की भी छुट्टी ज़्यादा ना हो, तो सारी चीज़ें एडजस्ट करके चलनी पड़ती है, और वही चीज़ लेके मैं चलूँगा आगे। ठीक है, और ठीक है फिर गाइस मिलते हैं, जो जो भी नए हो चैनल में गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ठीक है गाइस अभी चलते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद मैगी बनाएंगे, 4 पैकेट मैगी ला रखा हूँ भाई मैं, 2 पैकेट बनाऊँगा उसके बाद सब खाएंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा लेके, और बढ़िया एकदम सूपी मैगी बनाऊँगा, उसकी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा मैं सूपी मैगी की। ठीक है अभी बनाते हैं, उसको भी यार देखना और लाइक करना। ठीक है चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, और भाई ऐसी सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है फिर गाइस मिलते हैं फिर है।